जय श्री कृष्णा। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी ढोलक लेकर आई हूँ। और इतनी अच्छी ढोलक है, बहुत ही आसान ढोलक है, जिनसे चांटी पर ये उंगलियां घुमानी नहीं आती, उनके लिए बहुत आसान है। तो मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ, आपसे ये बहुत जल्दी आएगी और आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मेरा थोड़ा गला पड़ रहा है, तो इसलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी, और अब भी थोड़ा थोड़ा खुला है। तो चलो, फिर भी मैंने कहा आज वीडियो बना लेते हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखो बहनों, ये 3 गिनतियों की ढोलक है और 2 थापी आएंगी इसमें। इसमें ऐसे 2 थापी आएंगी देखो, और एक ऐसे गुम्मक आएगी। 1, 2, 3, ये 3 गिनतियों में ढोलक है सिर्फ। तो इस तरीके से ये थापी वाला बेस होता है जिसमें मसाला होता है, तो यहाँ हम 2 थापी बजाएंगे। 3, 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
टाइट हाथ रखेंगे तो ढोलक की आवाज भी अच्छी नहीं आएगी और हमारा हाथ भी जल्दी थक जाएगा, तो इसलिए हमें ढीला ही हाथ रखना है। तीन, हमें यहाँ तक का हिस्सा, इतना हिस्सा थापी पर मारना है ऐसे। हमारा यह अंगूठा यह किनारी से इधर ही रहता है, देखो। ये जो हम गुम्मक मारते हैं ये हम बीच में मारते हैं, तो इसमें बंद बेस आता है, बंद आवाज आती है। और यहाँ जो हम थापी मारते हैं यहाँ खुली आवाज आती है, ये खुला बेस है, तो देखो यहाँ पे बंद बेस है। तो ऐसे गुम्मक हम यहाँ मारेंगे। तो बहनों इसको हम दो थापी वाली ढोलक बोलेंगे और गिनती हमारी इसमें आएंगी तीन, क्योंकि दो थापी, दो गिनती हमारी दो थापी में हो जाती है, दो, और एक गिनती हमारी गुम्मक में हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी तीन गिनती हुई, एक, दो, तीन, तीन। अब हम आपको चंडी की तरफ दिखाते हैं, चंडी कैसे बजाई जाती है। तो देखो बहुत ही सरल चंडी है और आपसे बहुत जल्दी आने वाली है। तो देखो दो चाटी हम सिर्फ ऐसे थापी की तरह ही ऐसे बजाएंगे और दोनों थापी के साथ बजाएंगे, देखो। ये हमारी बीच में जाएगी उंगली और इसके साथ हम तीसरी गिनती बोलेंगे और इसके साथ ही हमारी ये गुम्मक आएगी थापी की तरफ। तो देखो, ये हमें चाटी किनारी पर ही बजानी है और किनारी पर ढीले हाथ से ही बजानी है। अगर हम टाइट हाथ रखेंगे तो हमारा हाथ जल्दी थकेगा, तो इसीलिए हमें ढीला हाथ रखना है ऐसे। यहाँ नहीं बजाएंगे, यहाँ अच्छी आवाज नहीं आएगी, ऐसे बजानी है। तो देखो फिर से बताते हैं आपको, पहले तो हमें ये हल्की सी प्रेस करनी है, दोनों बार हमें दोनों थापी इस थापी के साथ बजानी है चांटी की तरफ ऐसे। पहले ये, फिर तीन उंगली, फिर ये, फिर ये तीन उंगली, इस तरीके से हमें चांटी बजानी है।
अब हम आपको बजा के दिखाते हैं, तो दोनों को मिला के हमारी ढोलक कैसे बजेगी। तो देखो हम आपको सामने भी बताते हैं, सामने आपको दोनों दिख जाएंगी, चांटी भी और थापी भी, तो आप सामने जरूर देखें। तो देखो दो गिनती हम थापी के साथ बजाएंगे और एक गिनती हम गुम्मक के साथ बजाएंगे बोलेंगे। दो गिनती थापी के साथ बोलेंगे और एक गिनती गुम्मक के साथ बोलेंगे। ये चांटी भी हमारी साथ आएगी गुम्मक के। तो देखें, एक दो तीन, एक दो तीन, ये हमारी बिना काउंटिंग के आएगी, बिना गिनती के आएगी। ये इसका इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हैं इसको और तुरंत इनको मार देते हैं। इस पे हमें गिनती गिननी नहीं होती। तो देखो ध्यान से देखें, एक दो तीन, 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 एक दो तीन। तो बहनों मैं बहुत ही सरल ढोलक बता रही हूँ आपको, मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी आवाज़ तो आपको आपके पास आ ही रही होगी, फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो देखो दोनों को मिला के हम धीरे से भी बजा के आपको दिखाएंगे और हम जल्दी जल्दी भी बजा के दिखाएंगे तो कैसी बजती है ढोलक। तो देखो पहले हम धीरे धीरे बजा रहे हैं। अब हम आपको जल्दी जल्दी बजाकर दिखाते हैं कि कैसे बजती है यह ढोलक। तो हमने आपको धीरे भी बजाकर दिखाई और हमने जल्दी भी बजा कर दिखाई। तो हम आपको अब किसी गाने पर बजा कर दिखाते हैं कि गाने पर यह ढोलक कैसी चलती है। किसी भी गाने पर बजा लो आप, फिल्मी हो या भजन हो, लेकिन मैं तो भजन ही सुनाऊंगी। तो देखो इस पर मैं भजन सुनाती हूँ। मैं वृंदा बन जाऊं मेरो रोबेरी कन्हैया, मैं वृंदा बन जाऊं मेरो रोबेरी कन्हैया, मैं वृंदा बन जाऊं। दूध नहीं मांगता, दही नहीं मांगता, दूध नहीं मांगता, दही नहीं मांगता, खाने कहाँ से लाऊं रोबेरी। तो देखो मेरा गला भी नहीं चल पा रहा है, फिर भी मैंने आपको ये गाना गाकर ढोलक मिलाकर दिखाया है। तो आप इस गाने को अगर सीखना चाहते हो तो मैंने ये अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, मीरा देवी भजन्स चैनल पर। इस गाने को जरूर सुने, और बहुत सारे भजन मैंने गा रखे हैं और मैंने बहुत सारी ढोलक डाल रखी हैं। तो आपसे जौन सी भी ढोलक आसानी से आ जाए, पहले आप उसको सीखें और आगे आगे बढ़ती रहें। तो आपको यह ढोलक कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।
श्री कृष्णा।